अब हम बात करते हैं कि मान लो कि कुछ जो डेटर्स हैं वो उन्होंने पैसा हम दिया है। अब जैसे ही उन्होंने पैसा दिया तो वो पैसा किसके पास गया? हेड ऑफिस के पास गया। तो हेड ऑफिस सर क्या करेगा कि ठीक है कि 10 दिन पहले गुड्स बेचा था, तो बेचा था तब तो ये एंट्री कर दी गई थी ब्रांच डेटर्स टू स्टॉक। अब 10 दिन बाद वो पैसा आया तो आते किसके पास चले गया? वो हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस की एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक नहीं, क्योंकि वो पहले ही अपन क्रेडिट कर चुके हैं, वो पहले क्रेडिट कर चुके हैं क्रेडिट सेल पे। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा? डेटर्स कम हो रहे हैं तो ब्रांच के डेटर्स, तो यानी कि ये एक एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, यानी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो ये एक एंट्री कंप्लीट होती है। अब ऐसे ही यदि कोई डेटर्स हैं जिनको गुड्स बेचा गया था, उनमें से उन्होंने रिटर्न कर दिया गुड्स, तो वो गुड्स किसके पास आएगा? वो ब्रांच के पास ही आएगा, हेड ऑफिस के पास नहीं आएगा। अब ब्रांच के पास ही आएगा तो ब्रांच वापस जो सेल किया था, देखिए जब सेल किया था तो ये क्रेडिट किया था, अब इसी में से वापस आ गया है तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री यहाँ पे होगी डेटर्स की, तो यानी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ये सेल्स रिटर्न, ये क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। अब जब ये एंट्री यहां पर होगी डेबिट में तो इसका इफेक्ट ब्रांच डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में पड़ेगा, और ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से एक एंट्री की गई और इसको हमने क्या लिख दिया? सेल्स रिटर्न, तो ये एंट्री कंप्लीट हुई। अब आप देखेंगे इसके अंदर कि ये सारे काम होने के बाद मान लो कि कुछ ऐसे डेटर्स हैं जिन पर ब्रांच को खर्चा करना पड़ गया, डिस्काउंट देना पड़ गया, बैड डेट्स हो गया, कोई अदर एक्सपेंसेस उनको करने पड़ गए, अलाउंसेस देने पड़ गए, तो वो किसके हैं? वो हैं ब्रांच के। अब ब्रांच के हैं तो हमारी एक सिंपल एंट्री होती है डिस्काउंट देने की, डिस्काउंट टू डेटर्स, तो यहां पर भी हम वही एंट्री करेंगे, लेकिन यहां पर वो सारे खर्चे जो हैं उनको अलग अलग ना दिखाकर एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, और वो नाम क्या दिया गया है? ब्रांच के एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस को एक ही नाम से जानता है हेड ऑफिस, और वो है ब्रांच एक्सपेंसेस, वो अलग अलग इसको नहीं जानता, यानी कि वो अलग अलग अकाउंट इनके नहीं बनाएगा, वो जानता है कि सारे खर्चे ब्रांच के हैं, तो ब्रांच एक्सपेंसेस। तो देखिए अगर बैड डेट्स हुए तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस कोई किए तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो ये सब किसके नाम से होंगे? ब्रांच एक्सपेंसेस नाम से होंगे, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। अब जैसे ही हमने ब्रांच एक्सपेंसेस की एंट्री यहां पर करी, तो जब ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहां पर भी एक एंट्री करेंगे जिसको क्या करेंगे? टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, यहां पर भी हम एक एंट्री करके कंप्लीट करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, चाहे वो डिस्काउंट हो, वेंडर्स हो, या कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो। इसके बाद हम बात करते हैं एक और कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस द्वारा किए जा रहे हैं ब्रांच के लिए, यानी कि टेलीफोन का बिल है या रेंट से रिलेटेड है या सैलरी पे कर रहा है हेड ऑफिस, तो वो सब भी वो अलग अलग ना जान करके उनको ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से जानेगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा कि यानी कि वो खुद के द्वारा पे किए गए हैं। अब जब वो खुद के द्वारा पे किए गए हैं तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट ना करके वो क्या करेगा? उसको ब्रांच एक्सपेंसेस, क्योंकि जितने भी तरह के खर्चे उनको अलग अलग नाम से अकाउंट ना बना करके एक ही अकाउंट बनाएगा, वो है ब्रांच एक्सपेंसेस। तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एक एंट्री हम यहां पर करेंगे, और इसमें रेंट भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, और अदर एक्सपेंसेस और जो कुछ भी पेटी कैश एक्सपेंसेस हैं वो सभी यहां पर एंट्री कंप्लीट की जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने सभी एंट्रीज को समझ लिया कि कुल मिला के ओपनिंग बैलेंस हो सकते हैं ब्रांच स्टॉक के और ब्रांच डेटर्स के, माल भेजने की एंट्री, रिटर्न आने की एंट्री, डेटर्स को सेल करने की एंट्री, डेटर्स से पैसा आने की एंट्री, डेटर्स के एक्सपेंसेस होने की एंट्री, और डेटर्स से रिटर्न आने की एंट्री, ये सभी एंट्री हम कंप्लीट इस तरह से करेंगे। अब इसके बाद में अब ये अकाउंट को हमें क्लोज करना है और फाइनली उस ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना है जिसको जर्नल पीएनएल में ट्रांसफर करना है हेड ऑफिस को। तो देखिए सबसे पहले हम इस अकाउंट की बात करते हैं, तो इस अकाउंट में अगर बात करें तो ये सारी एंट्रीज होने के बाद में बैलेंस अगर निकलेगा, सॉरी ये देखिए ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस,
ऐसे ही एक क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन कि भाई साहब लास्ट में इतना माल बच गया, तो जैसे ही हम बाय बैलेंस सीडी ये वाला करेंगे तो यहां पर पीएनएल निकल के आएगा प्रॉफिट या लॉस। यदि मान लो कि प्रॉफिट निकल के आता है तो टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट, और यदि लॉस निकल के आता है तो बाय ब्रांच पीएनएल अकाउंट। अब जैसे ही हम ये दोनों चीजें निकाल लेंगे, तो अगर ये प्रॉफिट है तो यहां से सीधा हम इसे कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, यहां पर एंट्री कर देंगे पीएनएल अकाउंट में बाय ब्रांच स्टॉक प्रॉफिट, और यदि लॉस है तो इसको डेबिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे, और ये एंट्री क्या होगी टू ब्रांच स्टॉक इफ लॉस। तो इस तरह से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में देखा कि हेड ऑफिस से जो माल आया वो एंट्री हमने यहाँ कर ली और रिटर्न कर दिया, तो यहाँ कर दिया। उसके बाद जो गुड्स बचा वो क्या है, कॉस्ट पर है, और वो कॉस्ट पर है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में, जनरल ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बाय टू ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और इस तरह से ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट की। तो आप देखेंगे कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जैसे ही ये ओपनिंग बैलेंस निकला है ऐसे ही यहां पर एक क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस सीडी, यानी कि जब इसका बैलेंस निकाल लिया जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि अभी हमें डेटर्स से और कितना पैसा लेना है जो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर होगा, और इस तरह से ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट की। तो देखेंगे आप कि हमने ये खर्चे जो हेड ऑफिस द्वारा हुए और ब्रांच द्वारा हुए इन दोनों का टोटल किया और सारे खर्चों को हमने ट्रांसफर कर दिया ब्रांच पीएनएल अकाउंट में। तो ये ट्रांसफर टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट, और इस तरह से ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, और इसकी एंट्री हमने यहां पर कर देंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस, यानी कि टोटल खर्चे कितने हुए इस ब्रांच के, हेड ऑफिस प्लस ब्रांच दोनों के मिलाकर के खर्चे जो है सारे खर्चे यहाँ ट्रांसफर कर दिए। तो आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट कमाया गया था उसमें से एक्सपेंसेस और लेस किए गए, और लास्ट में एक जनरल पीएनएल निकल के आया कि भाई ये पीएनएल यानी कि प्रॉफिट है कितना। अब हर ब्रांच का इस तरह से अकाउंट बनाए जाए और उनको सभी को जनरल पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया जाए। सपोज करिए कि एक हेड ऑफिस की चार ब्रांचेस हैं एक कंपनी की, और उन चारों का ऐसे प्रॉफिट निकाला गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि साहब अजमेर ब्रांच का प्रॉफिट ये है जो ट्रांसफर किया, इसी तरह से चारों ब्रांच का, पाली ब्रांच, ब्यावर ब्रांच, जोधपुर ब्रांच, जो कुछ भी है उन सबको जनरल पीएनएल में ले जाएगा, और फिर जो हेड ऑफिस के खर्चे होंगे वो घटाए जाएंगे, उसके बाद में उस हेड ऑफिस यानी उस कंपनी द्वारा क्या कमाएगा निकाला जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में हमें पांच अकाउंट बनाने हैं, ब्रांच स्टॉक, गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसिस और जनरल पीएनएल, और कुछ इसकी एंट्रीज हैं जो हमें हमें ध्यान रखनी है, कुछ ट्रांजेक्शन है ध्यान रखने हैं, माल प्राप्त करने की एंट्री यानी कि बैलेंस की एंट्री, माल भेजने की एंट्री, रिटर्न की एंट्री, सेल की एंट्री, डेटर्स को क्रेडिट पे सेल करने की एंट्री यानी क्रेडिट सेल की एंट्री, उनसे माल वापस आने की एंट्री, एक्सपेंसेस की एंट्री, उनसे एक्सपेंसिव ब्रांच डेटर्स से के एक्सपेंसिस की एंट्री, उनसे कैश प्राप्त होने की एंट्री, ये सभी हमें यार वो ट्रांजेक्शन हमें पता होने चाहिए, इनकी एंट्री किस तरह से होगी ये पता होना चाहिए, तब जाकर के हम ये निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि बीजक मूल्य पर किस तरह से अकाउंट बनते हैं और कितने अकाउंट बनते हैं और किस तरह से बनाए हैं।